हेलो एवरीवन, एफएसटी में हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर जो फर्स्ट था उसके दो लेक्चर्स हो चुके थे, ये थर्ड लेक्चर है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर जो था इस बारे में था कि जो थाउजेंड 1000 सालों के अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए थे इंडिया में, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने ये देखा कि 712 में जो है अरब्स के द्वारा इंडिया पे अटैक हुआ था। फिर जो है मोहम्मद गजनी नाम के एक व्यक्ति ने सन 1017 तक जो 17 बार आक्रमण किए थे। फिर जो है 1191 में जो है मोहम्मद गोरी ने इंडिया पर आक्रमण किया था, और उनकी जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी 2 बार, 1191 में 92 में। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे कि अब देखिए ये जो सारे चेंजेज हो रहे थे थाउजेंड्स ईयर्स में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला चेंजेज ये हुआ था कि जब ये चीज़ें हो रही थी, यानी जब जो एंशियंट टाइम के जितने भी रूलर्स हुआ करते थे, जैसे लास्ट डायनेस्टी सबसे बड़ी कौन थी, गुप्ता एम्पायर थी। बहुत सारी जब जब कोलैप्स कर गई, तो उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग शेप में, जैसे साउथ की बात करेंगे, साउथ इंडिया ये तो साउंड साउथ इंडिया में बहुत सारे जो लार्ज स्टेट है वो डेवलप हो गए, जैसे चोलाज, चोला वाले चोला जो है, चोला डायनेस्टी के रूलर जो है इस इलाके में आ गए, तुगलक्स आ गए, मुगल्स आ गए, और ये इम्प्रेस आई। अब दिल्ली का जो इलाका था, सबसे पहले उन्होंने उस पर जो है कंट्रोल किया तुगलक्स ने, उसके बाद मुगल्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी जो रीजनल पावर्स थी वो एक बड़ी पावर, सेंट्रल जो पावर थी उसके कोलैप्स करने के बाद में जो रीजनल पावर थी वो सर उठा के खड़ी हो गई थी। एक संस्कृत संस्कृत में प्रशस्ति है, प्रशस्ति आपने मैं बताया था कि पत्थरों जो खुद की बनाई जाती है, वो दिल्ली सुल्तान बलबन के बारे में ये कहती है कि उसके रूल्स के अंदर में ही वॉज रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर एंड स्ट्रेचेड फ्रॉम द बंगाल इन ईस्ट टू द गजनी अफगानिस्तान। यानी उसका जो एक संस्कृत प्रशस्ति है दिल्ली में जो मिली थी, तो सुल्तान बलबन के बारे में ये बताती है कि उसका जो एम्पायर था, यहाँ वेस्ट साइड में अफगानिस्तान से शुरू होता था और ईस्ट में बंगाल तक जाता था, और इसमें जो है पूरा का पूरा जो सदर्न इंडिया है, साउथ इंडिया था वो भी इसमें शामिल था, इंडिया को जो सदर्न पोर्शन है उसमें भी शामिल होता है। तो ये उस प्रशस्ति के बारे में पता चलता है। तीसरा पॉइंट ये कि ये जो पीपल्स थे डिफरेंट रीजन से, जैसे गौड़ थे, आंध्रा थे, केरला थे, कर्नाटका थे, महाराष्ट्र थे, गुजरात, ये फ्लड हो गए थे, फ्लड बिफोर द हिज आर्मी, यानी जो बलबन की जो सेना थी उसकी आर्मी, उसकी जो आर्मी थी इन इन इलाकों पे, यानी गोड़ा पे ये होते थे मध्य प्रदेश वाले इलाके में, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र साउथ में हो गए, गुजरात वेस्ट साइड में हो गया। उसकी जो आर्मी थी किसकी, बलबन की, बलबन कौन था, ये एक दिल्ली सुल्तान थे ये, तो इन्होंने इनकी जो आर्मी थी यहाँ यहाँ उन्होंने लड़ाइयाँ करी। उसके बाद में कंसिडरेबल कंफ्लिक्ट हुआ, बहुत सारी और जो है वेरियस स्टेट के साथ इनकी लड़ाई हो रही थी, जैसे कि चोला डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ये भी यानी उनके जाने के बाद, बलबन के जाने के बाद में इन्होंने क्या करी, अपनी एम्पायर को खड़े रखे थे। एम्पायर उसको बोलते हैं कि जब किसी भी राजा का जो कुनबा है, कुनबा में वो जितनी जमीन पे अगर वो एम्पायर कर रहे हैं, कंट्रोल ओवर कर रहे हैं, वो कंट्रोल बड़ा हो जाता है तो उसको एम्पायर बोलते हैं। तो पैन रीजनल होता था, डाइवर्स रीजन्स पे ये फैलने लगा था, और ये इक्वली स्टेबल भी था और सक्सेसफुल भी था। लेकिन जब मुगल्स एम्पायर ने 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गए थे, तो ये फिर से क्या हो गया कि रीजनल पावर्स जो हैं 1857 में मुगल डायनेस्टी क्या हो गया था, थोड़ा सा कोलैप्स हो गया था कम्प्लीटली। तो उसके बाद में भी जो रीजनल स्टेट्स जैसे मराठा हो गए, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए थे, अदर एरियाज में डेवलप हो गए। तो ये सारी चीज़ें चेंजेज हो रहे थे अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द रीजन वर फेल्ट विथ द लिगेसी ऑफ द बिग एंड द स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल ओवर देम। ये जो सब कॉन्टिनेंट में जितने भी रेजिस होते थे, वो छोटे छोटे राजाओं के द्वारा, छोटे छोटे शासकों के द्वारा वो बट गए थे, जो उनके ऊपर रूल ओवर किया करते थे, और धीरे धीरे उनका इमरजेंस हुआ। मेनी डिस्टिंक्ट जो शेयर ट्रेडिशंस हुआ करता था गवर्नमेंट का, और जो मैनेजमेंट होती थी इकनॉमी की, कल्चर, लैंग्वेज का, सारी चीज़ें जो होती थी उस टाइम में डाइवर्स होती थी। अब ये ओल्ड और न्यू रिलीजन्स क्या, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में। ओल्ड न्यू रिलीजन्स बेसिकली इस्लाम की बात हो रही है। इस्लाम एक नया रिलीजन आ गया, उसके पहले में सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन्स होते थे, तो लोगों के जो बिलीव्स हुआ करते थे वो डिवाइड थे डीपली ऑन द पर्सनल। लाइक किसी को भगवान शंकर की पूजा करनी पसंद है, किसी को माँ दुर्गा की पूजा करनी पसंद है,
सेम तरीके से मुस्लिमों में भी ऐसी चीजें होती थी। तो उनकी जो कलेक्टिव बिलीव होता था किसी भी भगवान को लेकर, बेसिकली रिलीजन, वो कनेक्टेड होता था किसने, उनके सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। लाइक अगर जंगल में जो लोग रहते हैं, आप भी आ जाओगे तो किसी पेड़ की पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी थिंकिंग वहीं तक सीमित है, वो वहीं तक मानते हैं कि इनकी दुनिया यहीं होती है। कई लोग धरती माँ की पूजा करते हैं, तो उनका जो है कल्चर, उनका जो सोशल और इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है लोकल कम्युनिटी को क्या करती है, बिलोंग करती है। सम ऑफ द चेंजेस इन रिलीजन वर, अब देखिए हिंदुइज्म जो था, हमारी हिंदू रिलीजन था, इसमें भी बहुत सारी थोड़ी सी चेंजेस हो गई थी। लाइक जैसे कि जो न्यू नए नए देवता उभर आए थे, कि जैसे भगवान विष्णु के एक रूप हो गए जगन्नाथ, उन्हीं के रूप हो गए वराह, भगवान शंकर के अलग अलग रूप हो गए। तो इन देवी यानी उनकी मूर्तियां बना के लोग क्या करने लगते थे, पूजा करने लगे, कंस्ट्रक्शन, मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने लगा। और ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण लोग जैसे जो पूजा पाठ कराने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, प्राइस्ट हो गए, ये डोमिनेंट ग्रुप बन गए सोसाइटी में। लाइक वो जब टेम्पल्स बनते थे, टेम्पल में इन पुजारियों को भेजा जाता था, चलिए आप इस भगवान की पूजा कराएंगे, तो बहुत सारी चीजें जो क्या हो गया, धीरे धीरे उनके पास वेल्थ इकट्ठा होता गया। वेल्थ में उनको राजा भी दान दिया करते थे, और मंदिर में जितने पुजारी जाते थे, लोग पूजा प्रार्थना करने जाते थे, वो भी थोड़ी सी दान दक्षिणा करते थे। धीरे धीरे कलेक्ट करके ये ब्राह्मण लोग क्या हो गए लगे, धीरे धीरे सोसाइटी में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और ये थोड़े से ताकतवर बने। उनका जो नॉलेज हुआ करता था ना संस्कृत में, बेसिकली जो इनके पास नॉलेज, अब जैसे भी जितने भी संस्कृत में बहुत सारे लिटरेचर्स लिखी गई थी, तो वो ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, इसी बात को लेकर के उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट होता था। और जब भी कोई न्यू भी रूलर आते थे, उनको शासन करना होता था, तो लोकल पॉपुलेशन पे कैसे कंट्रोल करना है, तो वो संपर्क किससे किया करते थे, नहीं ब्राह्मण लोग। ये जो पीरियड था, यानी 1000 ईयर का जो पीरियड था, इसमें कुछ आइडियाज भी डेवलप हुए। एक आइडिया आया था भक्ति का, क्लासिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था लास्ट चैप्टर जो था, याद होगा चैप्टर चैप्टर नंबर 9। तो आइडिया भक्ति आया कि मतलब कि एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति और इनके एक पर्सनल भगवान है, तो ये व्यक्ति अपने भगवान से किस तरीके से जुड़ते हैं, अपने पर्सनल तरीके से जुड़ रहे हैं, कुछ संगीत गा करके, उनके नाम को जप जप करके, उस आइडिया को बोलते थे भक्ति। ये भी चीजें आई इस टाइम में। जितने भी मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स थे, मर्चेंट में व्यापारी, माइग्रेंट्स के जो प्रवासी अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पे आ रहे थे, उन्होंने भी टीचिंग्स को बढ़ाया, लोगों को शिक्षा दी। जैसे कुरान होता था, तो वो जब आते थे दूसरे अरब से आ गए, या फिर ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया वाले इलाके से आते थे जब इंडिया में, तो वो क्या करते थे, उनके पास जितनी उनके पास एजुकेशन हुआ करती थी, तो उन लोगों को बैठा करके क्या करते थे, उनको शिक्षाएं देते थे, बताओ देखो मेरे कुरान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कि पूरे सोनिटी गॉड है, अल्लाह है, वो सबके ऊपर मर्सी करता है, दया दिखाता है, एम्बरेंस की भावना होती है, ये सारी चीज़ें। तो वो क्या हो गया कि उसका इन्फ्लुएंस भी लोगों पर पड़ रहा था धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो इस्लाम और उलेमा को मानने लगे, उनकी फिलोलॉजी को समझे, ज्यूरिस्ट लोग थे जो हिंदुइज्म को मानते थे, इस्लाम को इंटरप्रेट करते थे, और उनके वैरायटी ऑफ द वे बाय इट्स फॉलोअर, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म, और जो लोग हैं उनको जो फॉलो कर रहे हैं अलग अलग धर्म को, वो उनके मानने का तरीका भी अलग था। एक देखो मुस्लिम में दो ब्रांचेज होती हैं, एक होते हैं शिया, दूसरे को बोलते हैं सुन्नी। तो शिया जो मुस्लिम होते हैं, बिलीव करते हैं कि जो पपेट मोहम्मद के जो सन इन लॉ हैं, इनके दामाद है अली, बेसिकली वो क्या है, मुस्लिम उधर के क्या है, कम्युनिटी के हेड है, मीन्स कि मोहम्मद पैगम्बर जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, शिया ये मानते हैं कि मोहम्मद पैगम्बर जब मर गए, तो उनके जो दामाद हैं वो हमारे अगले भगवान हैं, तो बहुत लेमैन लैंग्वेज में कहूँ वो हमारे अलग भगवान है। सुन्नी ये मानते हैं कि नहीं, सुन्नी ये मानते हैं कि नहीं, न अली है हमारे लिए, न पैगम्बर है, कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को चलाने वाले जो लीडर्स जिनको खलीफा बोलते हैं, उनकी अथॉरिटी को हम स्वीकार करते हैं। तो सुन्नी लोग किसको मानते हैं, लीडर्स यानी कि जो खलीफा होते हैं, खलीफा बिबिट करते हैं, अब खलीफा जाएंगे, दूसरे खलीफा आएंगे, तीसरे खलीफा जाएंगे, चौथे ऐसे आते आते रहेंगे, और वो खलीफा हमारे लिए सबसे जो है सुप्रीम। बहुत सारे अब मुस्लिम जो रिलीजन चल रहा था, तो इनकी शिक्षाओं को बांटने के लिए स्कूल्स भी खुले। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा मदरसा बोलते हैं, मदरसा में क्या किया जाता है, मदरसा में उर्दू सिखाई जाती है, उसके साथ में कुछ जो है जैसे कि जहाँ नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद होती है, तो वैसे ही इनके वहाँ भी कुछ क्या है, धार्मिक संस्थान है, जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ लॉ, यानी हनीफी बोलते हैं, सफाई बोलते हैं, मेनली इंडिया में आपको पाई जाती है।
और इनकी जो थियोलॉजी है, माइस्टिक ट्रेडिशंस है, यहाँ पे आपको जाके पता चल जाएगा अगर आप इनके बारे में जानते। तो थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द हिस्टोरियल, जैसे टाइम धीरे धीरे जा रहा था और जो हिस्टोरियल पीरियड था उसमें कनेक्शन या उनके बारे में सोचने लगे, तो क्या होगा कि टाइम जो भी टाइम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है किस चीज़ को, जो भी सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको, आइडियाज और बिलीव में क्या चेंजेस हुए ऑन द टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है आइडिया बिलीव सोशल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें क्या होने लगती है, धीरे धीरे चेंजेस होने लगती है। जब हम आते हैं किस में, मिडिल 19th सेंचुरी में आते हैं, यानी 1815 के अराउंड में, जब तक जो है ब्रिटिशर्स भी आ गए थे इंडिया में, तो उन्होंने जब ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज जो हमारे इंडिया में आ गए, तो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया था। एक बोला कि जब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हिंदू राजा राज करते थे, जब पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट पे मुस्लिम राजा राज करते थे, और इनके बाद जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उसको ब्रिटिश यानी 3, हिंदू ईरा मुस्लिम ईरा ब्रिटिश ईरा बांट दिया। ये जो डिवीजन था कि इतिहास को 3 ही भागों में बांटा, ये आइडिया जो आया था वो बेस्ड किस पे था, उनके रिलीजन पे, जो रूल जो शासक थे वो शासक किस धर्म को मान रहे हैं बेसिकली उस पे ये था। तीसरा, कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो हम पीरियडाइजेशन करते हैं आज, लाइक कि बहुत सारा इतिहास है, इतिहास का जो पीरियडाइजेशन कि किस समय से लेके किस समय तक के समय को किस नाम से जाने, इसको पीरियडाइजेशन बोलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, इसका जो है कभी भी ये नहीं एक आधार बनाना चाहिए, एक बेस बनाना चाहिए कि जो रूलर्स के रिलीजन क्या है, वो बेस होना चाहिए इकोनॉमिक के अंदर सोशल फैक्टर, क्या होना चाहिए इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर। जब भी लोग हिस्ट्री को बांटें तो वो किस बेसिस पे बांटना चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर, लोगों की स्थिति क्या थी, अमीर थे गरीब थे, सोशल फैक्टर्स क्या थे उस टाइम के, इस आधार पर बांटी जानी चाहिए। लेकिन जब बात आई कि इसकी मेडिवल पीरियड की जो सोसाइटी थी, यानी जो समाज था सब कॉन्टिनेंट के, ये ट्रांसफर हो गए थे किस में, इकोनॉमिक इन सोशल सेवरल रीजन्स में, बहुत सारे इकोनॉमिक थे जो सेवरल रीजन्स के अलग अलग, कहीं जो है कहीं के लोग अमीर थे मर्चेंट व्यापार करते थे, कहीं गरीबी रह गए, कहीं किसान ही रह गए। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी और इनकी चीज़ें बढ़ने लगी थी। तो ये यूरोपियन जब ट्रेडिंग कंपनी आई तो बहुत लोग ऐसे थे कि यूरोपियन कंपनी का ट्रेडिंग करके उनकी जो है क्या कह सकते हैं, उनकी इनकम में इजाफा हुआ, वो थोड़े से वेल्दी हो गए थे। ठीक है, तो यही चैप्टर की एंडिंग होती है। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।